अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुफियान अली और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मीरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह पर, जो के मुर्शिद करीम थे पीर सैयद शहीदी लाल सरकार रहमतुल्लाह अलैह के। आज हम आपकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं और आज आपको हम इन्हीं की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत करवाएंगे। कहा जाता है कि मीरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नहायत शरीफ सिफ़त इंसान और नहायत ही मुत्तकी इंसान थे। नाज़रीन, कहा जाता है कि मीरा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नहायत शरीफ सिफ़त इंसान और नहायत ही मुत्तकी इंसान थे, जो के सारा दिन याद इलाही में मशगूल रहते। आपने अपनी सारी जिंदगी दीने इलाही की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल औलिया मुल्तान तशरीफ लाने वाले पहले औलिया इकराम में से थे। अगर हम बात करें तो इनका मज़ार, जो इनकी कब्र इनवार है, वो नहायत ही कदीमी है और यहाँ पे जो दरख्त लगे हुए हैं ये भी नहायत ही कदीमी है। यहाँ तक के जो आपके मुरीद हैं शहीदी लाल सरकार, आपके पास लाल शहबाज कलंदर और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मेहमान हुआ करते थे। आपकी आखिरी आरामगाह शहीदी लाल कब्रिस्तान नज़्द शहीदी लाल पुल, जो के हरम गेट के करीब वाकिया है, में मौजूद है। आपका सालाना उर्स भी होता है जहां हर साल पाकिस्तान भर से ज़ायरीन फ्यूज़ो बरकात के लिए तशरीफ लाते हैं। इसी के साथ कैमरामैन राहत और अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।